आज के स्पेशल पॉडकास्ट की शुरुआत एक स्पेशल मैसेज के साथ दुजार थिंकिंग की एक लड़की की जिंदगी के फैसले जो भी हों उसके दो ही सॉल्यूशन है, उन्हें जितनी भी प्रॉब्लम्स हो उसके दो ही सॉल्यूशन होते हैं। वो कैसे कैसे फील करके आती है सोसाइटी से बाहर से और घर में आके अगर अपनी कोई जेन्युइन रीज़न या प्रॉब्लम बताती है तो उसके सटाक दे के दो ही सॉल्यूशन परोस दिए जाते हैं। डू यू रियली थिंक कि ये दो ही सॉल्यूशन है हर चीज़ के? सो अगर मॉडर्न एरा के अंदर आप रह तो रहे हो, एग्जिस्ट तो कर रहे हो, अपनी लाइफ को इन्जॉय तो कर रहे हो, लेकिन सॉरी जब बात एक लड़की करियर की आती है, उसके फर्दर स्टडीज़ की आती है, उसको अनकंफर्टेबल घर में हो रहा है, सोसाइटी में हो रहा है, वो क्या फील कर रही है, उसे थोड़ा सा डिप्रेशन जैसा फील हो रहा है, या अपने वो सपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बीच में, अपने ड्रीम्स के बीच में, अपने लाइफ के बीच में फंस चुकी है, कन्फ्यूज हो चुकी है, वो बाहर ही नहीं निकलना चाह रही है, वो खुद को भूलती जा रही है, तो उसके सिर्फ दो ही सॉल्यूशन क्यों रखे जाते हैं? कि तुम्हारी ही गलती कुछ होगी और चलो तुम्हारी शादी कर देते हैं। यस, क्योंकि मेरा मन था कि मैं ऐसा पॉडकास्ट रिकॉर्ड करूं क्योंकि मेरे आसपास बहुत कुछ ऐसा हो रहा है। अगर कंफ्यूजन एक लड़की के माइंड में है, वो अपने करियर को ओवरकम अच्छे से नहीं कर पा रही है, अपने सपनों को उस तरीके से नहीं जी पा रही है जिसके बारे में उसने कभी अपने फैमिली मेंबर से ऐसा डिस्कशन किया है, तो गलती उसकी निकाली जाती है और एक सोल्यूशन थमा दिया जाता है, येलो कार्ड। व्हाई आई एम सेइंग येलो कार्ड, हाथ पीले कर देते हैं। डू यू रियली थिंक कि दिस इज अ इनफ सोल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम ऑफ वन पर्टिकुलर गर्ल? अगर वो कुछ बाहर से अनकंफर्टेबल फील घर में बताती है तो उसको सपोर्ट क्यों नहीं करा जाता? क्यों उसको हमेशा डर के सहम के ये मन में बात बिठा दी जाती है कि 6 बजे के बाद घर से बाहर निकलना गैर कानूनी है? आप उन्हें स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं कर रहे हो? चेंजेस हमेशा आएंगे, हर साल आएंगे, लेकिन आप उन चेंजेस को कब थामेंगे? आप अपने घर की एक लड़की की ब्रिंगिंग अपब्रिंगिंग कैसे करेंगे? उसे बचपन से एक महिला की तरह, एक विमेन की तरह क्यों फोर्स करते हैं, क्यों टीचिंग दे रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, मेन एंड विमेन कोई टर्म नहीं है, ये सोसाइटी ने दी टर्म है उनकी रोल्स को लेकर। बायोलॉजिकल टर्म तो मेल एंड फीमेल ही है, बॉय एंड गर्ल ही है। आप अपने घर के हर एक सदस्य के बारे में तभी समझेंगे जब कोई आपसे बात करेगा, और जब एक लड़की को घर का माहौल भी वैसा मिलेगा जैसा उसे बाहर मिल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं खुद से खोती चली जाएगी। और एक रिपोर्ट के मुताबिक सुसाइड अटेम्प्ट सबसे ज्यादा लड़कियां ही कर रही हैं। कोई तो वजह होगी, हमेशा लड़की गलती नहीं होती है। सोचिए, समझिए, कहीं देर ना हो जाए, क्योंकि एक मुस्कुराता चेहरा जो सबकी नीड्स को पूरा करता है, वो अंदर ही अंदर कितने दुख में है, वो कितने कंफ्यूजन के अंदर है, वो खुद भी नहीं जान पा रहा। वो सोल्यूशन तो क्या ही ढूंढे, उसे एक मौका भी नहीं मिल पा रहा। सो विमेन कहाँ एग्जिट करती है, सॉरी एक लड़की कहाँ एग्जिस्ट करती है, ये उसका फैसला है। आप सोसाइटी के 4 क्वेश्चंस लाके उसमें मत थोपिए, उसे बार बार ये मत कीजिए कि पराए घर जाना है या ये तेरा पराया घर है। अगर सब कुछ पराया है तो उसका अपना क्या है? प्लीज़।